हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल वेल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कैलकटे यूनिवर्सिटी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड BA LLB एडमिशन प्रोसेस के बारे में। कैलकटे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड जो जो सरकारी लॉ कॉलेज है और प्राइवेट लॉ कॉलेज है वो कौन कौन से हैं, इनके सीट मैट्रिक्स क्या हैं, कट ऑफ क्या है, और उसके साथ जानेंगे इनका कोर्स फी स्ट्रक्चर भी क्या है, और साथ में करेंगे सरकारी और प्राइवेट लॉ कॉलेज की कंपैरेटिव एनालिसिस। मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन होने के बाद कैलकटे यूनिवर्सिटी BA LLB एडमिशन की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में भी आपको क्या करना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बताऊँगी। तो पूरा वीडियो देखिए, अपना कॉलेज नेट ये यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कैलकटे यूनिवर्सिटी BA LLB एडमिशन के बारे में कोई भी नया वीडियो हम लोग बना के अपलोड करेंगे वो अपडेट आपके पास पहुंचना चाहिए, इसके लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन कैलकटे यूनिवर्सिटी BA LLB एडमिशन प्रोसेस। कैलकटे यूनिवर्सिटी इज अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1857। इट इज ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कैलकटे यूनिवर्सिटी को बहुत सारा खिताब और मान्यता मिल चुका है। कैलकटे यूनिवर्सिटी के अंडर में आप 5 इयर्स BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स पढ़ सकते हैं। टोटल 4 सरकारी लॉ कॉलेज है इधर, और उसके साथ 9 प्राइवेट कॉलेज है। लॉ पढ़ने के लिए आपको याद रखना होगा, योर कॉलेज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर BA LLB कोर्स 5 इयर्स इंटीग्रेटेड है, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड BBA LLB कोर्स है, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड BCOM LLB कोर्स है, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड BSc LLB कोर्स भी है। लेकिन कैलकटे यूनिवर्सिटी के अंडर में जितना सारा लॉ कॉलेज है ऑल आर बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, एंड ऑल्सो दे आर एफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा एंड दे टीच BA LLB 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से सरकारी कॉलेज में क्या फी स्ट्रक्चर है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, लोकेशन क्या है, पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं। पहला जो लॉ कॉलेज हम देखेंगे कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंडर में ये है साउथ कैलकटा लॉ कॉलेज। दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लॉ कॉलेज अंडर कैलकटा यूनिवर्सिटी। 1970 इट वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ईयर। 120 सीट यहाँ पे है, और इनका जो पुराना कैंपस था ये था स्विनो स्ट्रीट कैलकटा में, और अभी नया कैंपस लोकेशन है कोलकाता में कस्बा में। 5 इयर्स BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स है, और साथ में BA LLB ऑनर्स कोर्स भी है जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज का डिस्कशन का फोकस हम लोगों का 5 इयर्स इंटीग्रेटेड BA LLB कोर्स के लिए ही होगा। कॉलेज वेबसाइट से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 5 इयर्स टू स्टडी एट साउथ कैलकटा लॉ कॉलेज इज अराउंड 25,000। दिस इज एज पर कॉलेज वेबसाइट। सो साउथ कैलकटा लॉ कॉलेज के बाद चलिए जानते हैं जो सेकेंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लॉ कॉलेज है कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंडर में, वो है हाजरा लॉ कॉलेज और कैलकटा यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट हाजरा कैंपस। दिस इज अ नैक अप्रूव्ड कैंपस एंड एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1905। 120 सीट है यहाँ पे, एंड द कैंपस लोकेशन इज बालीगंज। BA LLB कोर्स के साथ यहाँ पे LLM और PhD भी पढ़ाया जाता है। 5 साल कैलकटा यूनिवर्सिटी हाजरा कैंपस में BA LLB पढ़ने का आपका टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 8,820। तो आप देख सकते हो 8,800 रुपया में यू कैन कंप्लीट योर एंटायर लॉ कोर्स इन कैलकटा यूनिवर्सिटी हाजरा कैंपस। इन दिस कैटेगरी द थर्ड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लॉ कॉलेज इज योगेश चौधरी लॉ कॉलेज। एंड लेट अस लुक इनटू द फैक्ट शीट।
Year of establishment is 1970. The student intake is 120 and the location is Toliganj in Kolkata. यहाँ पे BA LLB कोर्स के साथ 3 years LLB honors और LLM दोनों कोर्स ही पढ़ाया जाता है. फी स्ट्रक्चर देख लीजिए, 5,030 rupees पर ईयर. तो टोटल आपका 5 साल जोगेश चौधरी लॉ कॉलेज में पढ़ने का खर्चा है अराउंड 25,000 rupees. Now we will be talking about Surendranath Law College, which is government sponsored and affiliated with Calcutta University and offering 5 years BA LLB integrated program. Fact sheet check kariye. College jo hai, this was established in the year 1870. 120 seat ka college hai. Campus location is in Sialda. एंड बी ए एल एल बी कोर्स के साथ यहाँ पे 3 years एल एल बी ऑनर्स और एल एल एम ये कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं. कॉलेज का कोर्स भी आप देख लीजिए, 5 years यहाँ पे पढ़ने का टोटल खर्चा आएगा 7,030 rupees. दैट इज 7,030 rupees, 7,000 rupiya में आप 5 साल का बी ए एल एल बी अंडर कैलकटा यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर सकते हैं सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज में. सो दीज आर द 4 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लॉ कॉलेजेस अंडर कैलकटा यूनिवर्सिटी ऑफरिंग 5 years इंटीग्रेटेड बी ए एल एल बी प्रोग्राम. अभी हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अबाउट 9 अदर प्राइवेट कॉलेजेस जो कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंडर में हैं और बी ए एल एल बी 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करते हैं. बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट कभी न्यू वीडियो अगर अपलोड होता है रिगार्डिंग BA LLB admission under Calcutta University, you receive the updates and alerts. Now we will do a comparative study on the 9 private colleges under Calcutta University offering BA LLB course. तो देखिए, विकास भारती लॉ कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है, 120 सीट का कॉलेज आमतला में है, established in 2006. एंड कोर्स भी यहाँ का है 2,26,500. रविंद्र शिक्षा सम्मिलनी लॉ कॉलेज बाड़ुईपुर में है, 120 सीट का कॉलेज, 2,65,000 दैट इज द फीस. ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कॉलेज ने अपना वेबसाइट में डिस्क्लोज नहीं किया. ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ सोनारपुर में है, 2,50,000 फाइव ईयर का फीस. 120 सीट का कॉलेज 2008 में एस्टैब्लिश हुआ. श्याम बाजार लॉ कॉलेज 120 सीट का कॉलेज विच इज़ लोकेटेड विद इन श्याम बाजार एरिया इन कोलकाता, 2,70,500 ये इनका फी स्ट्रक्चर है. जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ ये कोन नगर हुगली में है, 2,75,000 फाइव ईयर्स का कोर्स फी एंड 120 सीट्स का कॉलेज है जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड इन 2012. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुरेश्वर दत्त लॉ कॉलेज अगेन लोकेटेड इन सांकराई इन हावड़ा, 1,90,000 फाइव ईयर्स फीस एंड इट इज़ 120 सीट का कॉलेज, 2014 में एस्टैब्लिश हुआ था. हेरिटेज लॉ कॉलेज जो ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास कोलकाता में है, 5 years यहाँ पे कोर्स भी है, 3,21,000. कोलकाता पुलिस लॉ इंस्टीट्यूट 60 सीट का कॉलेज है जो कि अलीपुर में है, 2016 ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, 1,30,000 इज द कोर्स फी स्ट्रक्चर. एलजेडी लॉ कॉलेज 240 सीट्स का कॉलेज है, फॉल्टा साउथ 24 परगनाज में इनका लोकेशन है एंड कोर्स फी इज 3,22,000. हेरिटेज लॉ कॉलेज एंड एलजेडी लॉ कॉलेज वी कुड नॉट लोकेट देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन द वेबसाइट. सो फ्रेंड्स, हियर वॉज अ ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ द 9 प्राइवेट कॉलेजेस अंडर कैलकटा यूनिवर्सिटी ऑफरिंग बी एल एल बी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं अंडर कैलकटा यूनिवर्सिटी, सो एक बार आप एक्सपेंडिचर देख लीजिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर सरकारी कॉलेज से करीब 40 times ज़्यादा है. साथ में ये भी चेक करिए इन सारे कॉलेजेस का इंटर्नशिप कहाँ मिलता है, एलुमनाई कहाँ पे प्लेस्ड है, इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है. और मैं आपको एडवाइस करूँगी, आप कोलकाता सिटी लिमिट्स के अंडर में एडमिशन लेने का कोशिश कीजिए. अदरवाइज आपको जो है आने जाने में बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा एंड आपका जो क्लासेस के साथ अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं
अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो इसमें भी अगर आप विद इन सिटी लिमिट्स ऑफ कोलकाता रहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कैलकटा यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एडमिशन 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड नोटिफिकेशंस क्या हैं, इसके बारे में मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। कैलकटा यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एडमिशन 2021 विल बी डन ऑन क्लास 12 मार्क्स और इसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना होगा। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसके साथ स्टेप बाय स्टेप कैलकटा यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइड जो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फील फ्री टू वॉच दैट वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल अपना कॉलेज नेट। तो चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। 24th August 2021 to 7th September 2021 was the online form submission window. इसके बाद 9 September 2021 को मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन होगा और उसके बाद आपका थ्री फेज 13 September, 20th September and 27th September ये तीन डेट्स में आपका ई काउंसलिंग राउंड्स होगा और ईच फेज ऑफ ई काउंसलिंग में आपको एडमिशन स्लिप डाउनलोड करने का मौका दिया जाएगा एंड उसके बाद आपको एडमिशन डेट्स भी इसके साथ बताया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी हैविंग क्वेरीज। मेरिट लिस्ट आने के बाद कैलकटा यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी ई काउंसलिंग आप कैसे करेंगे? देखिए, थ्री फेज में इस बार 2021 में ई काउंसलिंग होगा और ई काउंसलिंग में इस बार काफ़ी भरकम कैंडिडेट्स का एक्सपेक्टेशन है बिकॉज देर इज़ नो एंट्रेंस टेस्ट एंड देर इज़ नो एप्लीकेशन फीस। सो ई काउंसलिंग फेज में आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन के वक्त आपका चॉइस लिस्ट बना चुके हैं तो ई काउंसलिंग फेज वन में मेरिट लिस्ट में अगर देखा जाए आपका मनपसंद अलॉटमेंट आ गया है सो यू कैन डाउनलोड द एडमिशन स्लिप एंड देन ऑन द स्पेसिफिक डेट एज गिवन बाय द यूनिवर्सिटी यू कैन गो टू द कॉलेज विथ ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग दिस एडमिशन स्लिप, योर आधार कार्ड, योर क्लास 10 मार्कशीट, योर क्लास 12 मार्कशीट। प्लीज़ नोट करिए कि एप्लीकेशन के वक्त अगर आपने जो डेटा सबमिट किया है, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो आपका कास्ट हो, चाहे वो आपका क्लास 10 और 12 का मार्क्स हो, इसके साथ अगर ओरिजिनल में कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाया जाएगा देन योर अलॉटमेंट मे गेट कैंसल्ड। इफ़ यू डोंट गेट अलॉटमेंट देन यू हैव टू क्लिक टू वेट। इफ़ यू डोंट गेट योर चॉइस अलॉटमेंट देन वॉट यू शुड डू, आपको फिर क्लिक टू वेट इस टैब में क्लिक करना है। सो इन द ई काउंसलिंग फॉर दिस थ्री फेजेस, पहला दो फेज में आपको अपना चॉइस लिस्ट रीशफल करने का मौका दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड। सो दैट वॉज ऑल ऑन कैलकटा यूनिवर्सिटी बी एल एल बी एडमिशन प्रोसेस। आपने ये वीडियो पूरा देखा एंड आई होप दैट आवर एफर्ट्स हैड clear all your doubts. If you want to interact with us, then you can get all our social media handles in the description box. Keep watching Apna College Net YouTube channel for more updates on Calcutta University BA LLB admission.